ये जदयू जो है भानुमति का पिटारा है इस, और ये लोग आज हैं कल हैं, कल रहेंगे ना रहेंगे। ललन सिंह अब बहुत कम दिनों के ये सब लोग मेहमान हैं, अब जल्दी ही इन लोगों की विदाई होगी। भाई देखिए, उनके लिए सब दिन खड़मासी लगा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में अब दोबारा उनके लिए खड़मास है, उनके लिए खड़मास सालों भर लगा रहे हैं। 22 तारीख को सब लोग अपने अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्लों में दीपोत्सव मनाएं, और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि श्री राम आए हैं तो ये राम अब विराजमान होंगे रामलला में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सेजल आपके साथ। जेडीयू में ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जब से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बने हैं, तब से ऐसे आयास लगाए जा रहे हैं कि वह एनडीए में फिर से शामिल हो सकते हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया है। जैसे ही पत्रकारों ने उनसे पूछा कि खरवास के बाद क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर से जुड़ सकते हैं, तो अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा में हमेशा के लिए खरवास लग गया है, वो भाजपा में कोई वापसी नहीं होंगे। इसके साथ ही जातीय जनगणना रैली पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। क्या कहा है अश्विनी कुमार चौबे ने, पहले वो आप खुद सुनिए। भाई देखो, मैं पहले ही कहा था कि ये जदयू जो है भानुमति का पिटारा है इस, और ये लोग आज हैं कल हैं, कल रहेंगे ना रहेंगे, ये अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। और ठीक किया लालू जी ने नीतीश जी के पेट में दांत का इलाज उन्हीं के डॉक्टर से करवाने का प्रयास किया। ये ठीक है कि इलाज अधूरा रहा है, लेकिन इलाज अच्छा हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि ललन सिंह अब बहुत कम दिनों के ये सब लोग मेहमान हैं, अब जल्दी ही इन लोगों की विदाई होगी। ये सब जेडीयू कितने सीट में आएंगे भाई? जेडीयू समाप्त हो जाएगा, आप काहे चिंता करते हैं। ये जेडीयू और राजद ये दोनों को एक ही है, कोई बाहर का चीज नहीं है। नहीं, चर्चा ये भी हो रही है सर कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ इस तरह के नए साल में खड़मास के बाद मकर संक्रांति के, भाई देखिए उनके लिए सब दिन खड़मास ही लगा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में अब दोबारा उनके लिए खड़मास है, उनके लिए खड़मास सालों भर लगा रहेगा, इसलिए उनको यहाँ तो पूरी तरह से उनके लिए चारों तरफ का दरवाजा बंद है, वो प्रवेश करने की कोई सवाल ही नहीं उठती है। अच्छा, रैली करने वाले हैं कई दूसरे राज्यों में, झारखंड में जाति गणना हो इसको लेकर के इसके समर्थन में वो रैली करने वाले हैं सब। ये लोग टाइटा फिश हो गए, सब कुछ कर रहे थे, देख लिया कि तीनों राज्यों में क्या स्थिति हुई, ये जाति गणना का रैली करेंगे, और हम लोग तो जो गरीब लोग हैं वही हमारे लिए जाति है, हमारे लिए जो ऐसे महिलाएं हैं, युवा हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी जाति वही है, उसका विकास होना चाहिए, और उसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है 22 तारीख को दीपोत्सव करने के लिए, दीपावली मनाने के लिए, तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीर दिख रही है? नहीं, निश्चित रूप से पूरे भारत में दीपावली मनाने का दिन है, 22 तारीख को सब लोग अपने अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्लों में दीपोत्सव मनाएं, और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि श्री राम आए हैं तो ये राम अब विराजमान होंगे रामलला में, और वहां के बाद श्री राम कर्मवीर राम के रूप में प्रथम कर्मभूमि सिद्धाश्रम बक्सर में भी उन्हें लाया जाएगा, और वहां से राम राज्य जो अभ्युदय यात्रा है श्री राम की, वो अभ्युदय यात्रा शुरू हो रही है, और राम राज्य की पुनर्स्थापना और सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री राम सभी कर्म भूमि में सभी जगहों पर जाएंगे। यानी कि 2024 में बीजेपी राम के सहारे चलेगी? भाई बीजेपी को सहारा की जरूरत नहीं है, बीजेपी श्री राम के अनुयायी है, हम राम भक्त हैं, राम को लाने का काम हम सब लोगों ने मिल के किया है, और राम आगे विराजमान हो गए अलौकिक अद्भुत, और ऐसे श्री राम का जो रामलला का मंदिर है, रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं,
तो ये खुशियां पूरी दुनिया को है। अच्छा, जेडीयू आरजेडी को भी सलाह देंगे 22 तारीख के लिए? क्या देंगे सलाह? सलाह देंगे कुछ 22 तारीख के लिए। हम तो सबको सलाह देंगे कि भाई सबको सद्बुद्धि जगे और सब लोग दीपावली मनाए। राम तो सबके हैं, मुझ में राम, एक ही राजा एक ही राम, सब में राम, मुझ में राम। लालू जी, तो मुझ में राम है। लालू जी नीतीश जी को सबको सलाह देंगे। अरे बिना राम का कोई काम नहीं होगा। राम है तो सब कुछ है, राम है तो मंगलमय है। इसलिए श्री राम के लिए सबको सलाह है कि वो दीप जलाएं और श्री राम के रास्ते पर चलें। तो जैसा कि आपने सुना, अश्विनी कुमार चौबे किस तरह से जेडीयू और नीतीश कुमार पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी ने जो 22 जनवरी को दीपावली मनाने का पूरे देश से आह्वान किया है, उसका भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सभी को दीपावली मनानी चाहिए 22 को, रामलला सबके हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार पर प्रहार करते भी नजर आए हैं। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।